गुड मॉर्निंग इंडिया दोस्तों, आपका दोस्त और होस्ट राकेश मिश्रा ऑल द वे फ्रॉम टोरंटो कनाडा, आपसे 12,000 किलोमीटर दूर आपके सामने इस मंडे मॉर्निंग की सभा में हाजिर है। सो दोस्तों, कैसे हैं आप? होपफुली सब बढ़िया होगा और आराम से वीकेंड आपका गुजरा होगा। कोई ये टाइप कर सकते हैं कि आपको आवाज आ रही है मेरी? प्लीज इफ यू कैन टाइप कि यू कैन हियर मी क्लियरली, दैट विल बी रियली रियली ग्रेट, बिकॉज समटाइम आई यू नो लूज द यू नो द साउंड, इट डजंट कम क्लियरली। इफ समवन कैन टाइप मी दैट विल बी रियली ग्रेट। कैन यू हियर मी? सो दोस्तों, जीतू भाई, कैन यू टाइप मी? इफ यू कैन हियर मी क्लियरली, दैट विल बी रियली रियली ग्रेट एंड हेल्प मी। Okay, so let's get into directly to the topic. But before, dosto, the topic, चलिए थोड़ा सा बात करते हैं। तो चलिए टॉपिक को इंट्रोड्यूस करते हैं। तो दोस्तों, वेरी गुड, थैंक यू जीतू जी, थैंक यू वेरी मच। सो दोस्तों, आज का टॉपिक है योर फ्रीडम इज इनसाइड योर स्टोरीज। या एंड व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू टुडे, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन फाइव वेज यू कैन use your stories to remove your worries and negativity from your life and become happy and rich forever. Yeah? Sounds good? Okay, so thoda sa typical sa example hai ki your freedom is in your stories. How come? So chaliye doston is pe aate hain, lekin iske pehle देखिए दोस्तों, क्या होता है कि आज की डेट पे चाहे हम रिलायंस को अंबानी की बात करें, अमिताभ बच्चन की बात करें, शाहरुख खान की बात करें, गांधी जी की बात करें, मार्टिन लूथर किंग की बात करें, लेस ब्राउन की बात करें, टोनी रॉबिन्स की बात करें, सबको हम लोग क्यों अट्रैक्ट होते हैं? उनकी स्टोरीज से। कितने सारे बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं या बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मेशनल स्पीकर हैं, वो अपनी स्टोरी से शुरू करते हैं कि ओ माय बिगिनिंग वाज सच एन हम्बल वन, आई स्टार्टेड फ्रॉम देयर। नॉट ओनली दैट, मोस्ट ऑफ द मूवीज यू गाइस कनेक्ट विद यू नो दोज रैग टू रिचेस। Why? Because those stories change you, those stories connect with you. So that is a power in stories, ladies and gentlemen. Anybody, even the company's brand, you know, many companies, they tell their stories in their mission, in their, you know, their mission is hidden inside their stories. They tell how they started, how humble beginning, you know. आप अगर लखनऊ में रहते हैं, पंजाब में कहीं रहते हैं, या यू नो गुजरात में, या साउथ में, नॉर्थ में, डेजर्ट में, कभी कभी क्या है कि आप अपने एक चौराहे पे बोलते हैं, अरे ये दुकान देखिए कितने सालों से इनके बाबा ने शुरू किया था। इट्स ऑल अबाउट, लेडीज एंड जेंटलमैन, अबाउट योर स्टोरीज। चलिए एक मैं छोटी सी अपनी स्टोरी की बात करता हूँ। अभी क्या हुआ कि अभी पिछले हफ्ते एक यहाँ पे हिंदी राइटर्स गिल्ड का एसोसिएशन है, तो उन लोगों ने एक लघु नाट्य पर्व के नाम से प्रोग्राम था। मैं भी देखने के लिए चला गया वहाँ पे, और इतने अच्छे अच्छे लोग छोटे छोटे वो स्टोरीज के फॉर्म में वो प्ले कर रहे थे। तो मैंने वहाँ के संचालिका डॉक्टर शैलजा सक्सेना से रिक्वेस्ट किया, कैन आई शेयर माई स्टोरी, एंड आई शेयर दैट स्टोरी। आई विल यू नो send a link to you as well, you might have seen in my Facebook, otherwise I will repost again. And सबको इतनी अच्छी लगी। आज फिर मैं फादर्स डे था कि यहाँ पे लक्ष्मण टेम्पल वहाँ पे गया, तो वहाँ पे कुछ लोग मिले जो वहाँ पे भी आए हुए थे, उन्होंने उन लोगों ने देखा और मिले, और पता नहीं और कितने लोगों से इंट्रोड्यूस करवाया अपना, उनका एक गोल्डन ग्रुप करके उससे इंट्रोड्यूस करवाया कि राकेश मिश्रा इन्वाइट हिम, इज सच एन यू नो ग्रेट स्टोरी टेलर, यू नो अपने मुँह से मैं मिट्ठू बन रहा हूँ, लेकिन आई मीन they have had so much of high regard. I said wow. Yeah, तो दोस्तों, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आप ये कह सकते हो कि राकेश या मेरे पास स्टोरीज हैं, लेकिन कैसे मैं शेयर करूं अपनी स्टोरी? हर एक के अपने एक्सक्यूज होते हैं। तो दोस्तों, मैं बहुत जल्दी आता हूं उन पांच पॉइंट्स पे, जिससे कि आप अपनी स्टोरीज को लेके आप हैप्पी हो सकते हैं, रिच हो सकते हैं, और अपनी वरीज, अपनी सैडनेस और नेगेटिविटी से छुटकारा पा सकते हैं। मैं आता हूं उन पांच स्टेप्स पे, लेकिन मैं शेयर करना चाहूंगा कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग होंगे जो स्टोरी बताने में थोड़ा हिचकिचाते होंगे, अरे मैं अपनी स्टोरी बताऊंगा पता नहीं लोग मुझे पसंद करेंगे, लोग क्या कहेंगे। ये होता है दोस्तों, जब मैं नॉर्थ अमेरिका में मूव हुआ तो
एक चीज यहाँ पे बड़ी प्रेवलेंट मैंने देखी है कि जितने भी बिजनेसेस हैं, जितने बड़े बड़े स्पीकर्स, व्हिच आई वांटेड टू बिकम बाय द वे एन स्पीकर कम कोच, तो जब उनको मैं फॉलो करने लगा दोस्तों, तो हर एक की एक ही चीज कॉमन थी, स्टोरीज। कभी भी किसी भी प्लेटफॉर्म में जाते थे तो दे स्टार्ट विद स्टोरीज। बड़े बड़े बिजनेस के जो एग्जीक्यूटिव होते थे, दे स्टार्ट विद स्टोरीज, बेसिकली हाउ द ब्रांड स्टार्टेड, हाउ दैट स्टोरी स्टार्टेड। सो आई थॉट वाओ, स्टोरी कैन बिकम सो पावरफुल। लेकिन दोस्तों मेरी प्रॉब्लम क्या थी, जैसा आप लोगों ने सुना होगा या देखा होगा, कई बार मैंने शेयर किया है कि मैं एक गाँव से, एक हिंदी मीडियम से आता हूँ, एक छोटे से गाँव में किसान परिवार में पैदा हुआ था, वहाँ से आता हूँ। तो एक हिचकिचाहट थी, अरे कि मैं वो अपनी स्टोरी, अपनी गरीबी की, परेशानियों की, स्ट्रगल की अगर मैं स्टोरी शेयर करूंगा तो पीपल मे नॉट लाइक इट। वो एक मेरे अंदर एक एम्बेरसमेंट की फीलिंग थी। और दूसरी फीलिंग क्या थी जिससे कि मैं स्टोरी शेयर नहीं कर सकता था, वो थी मेरी कम्युनिकेशन प्रॉब्लम। इंग्लिश वॉज नॉट माई फर्स्ट लैंग्वेज, ठीक से ना तो लिखना आता था, ना बोलना आता था, और ना ही पढ़ लेता था, लेकिन कभी कभी टू अंडरस्टैंड द मीनिंग उन शब्दों की या पूरे कॉन्टेक्स्ट की समझ में नहीं आती थी। तो ये दोनों मेरी प्रॉब्लम थी। पहली तो स्टोरी शेयर करना एक एम्बेरसमेंट की फीलिंग थी कि आई विल बी एम्बेरस्ड, पीपल क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, तो उसलिए नहीं शेयर करता था। और दूसरी बात लोगों दोस्तों ये थी कि अंग्रेजी मुझे बोलनी नहीं आती थी, और बोलना एक बात और फिर स्टेज से जाके बोलना इज इंटायरली अ डिफरेंट थिंग। सो दोस्तों क्या हुआ कि ये मेरे दोनों प्रॉब्लम थी। इसका मैंने सोल्यूशन धीरे धीरे कहाँ से मिले। तो क्या हुआ दोस्तों कि 2008 में ये मूवी थी स्लमडॉग मिलियनेयर, ये रिलीज हुई, और जब मैं मूवी देखने गया तो उसमें लगा कि 70% लाइफ तो मैंने खुद जी भी है, और फिर वो जो एक एम्बेरसमेंट की फीलिंग थी वो दूर हो गई, और उस मूवी को 8 ऑस्कर मिले थे। मुझे लगा एक फिगरेटिवली अगर मैं बोलना चाहूँगा, अरे आई इफ आई शेयर माई स्टोरीज आई मे वन द ऑस्कर, या एक उपमा दे रहा हूँ। तो वहाँ से वो डर दूर हो गया। फिर दोस्तों कई लोगों से मैंने कई स्टोरीज मैंने शेयर की, आपको शायद मालूम भी हो कि फिर मैंने एक दिन टोस्ट मास्टर दिखा मेरे को बोर्ड उसका, और मैंने टोस्ट मास्टर ज्वाइन कर लिया, और उससे मेरे को कॉन्फिडेंस और बहुत सारी चीज़ें, एक पब्लिक स्पीकिंग का फियर, एक इंग्लिश स्पीकिंग का फियर चला गया, और देन आई स्टार्टेड शेयरिंग माई स्टोरीज, एंड दोज स्टोरीज हैज गिवन मी अ वेरी वेरी डिफरेंट प्लेटफॉर्म, वेरी डिफरेंट डिफरेंट रिकॉग्निशन, दैट्स व्हाट आई डू। एंड इट्स नेवर बीन बेटर टाइम एज टुडे टू शेयर योर स्टोरीज। दिस सोशल मीडिया इंटरनेट ऑल अबाउट sharing your stories। Basically, आपकी आज जो branding है, चाहे वो personal branding हो, चाहे company की branding हो, it's all about stories। Your stories build your brand। Yeah? तो दोस्तों अब हम चलिए ये आते हैं कि जैसा आज का टॉपिक, फिर से मैं रिपीट करना चाहूंगा, योर फ्रीडम इज इन योर स्टोरी, इनसाइड योर स्टोरी। तो मैं अभी क्या करने जा रहा हूं दोस्तों, 5 वेज यू कैन यूज योर स्टोरीज टू रिमूव योर वरीज एंड नेगेटिविटी एंड बिकम हैप्पी एंड रिच फॉरएवर। हाउ, चलिए हम आते हैं अभी स्टेप 1 पे। लेकिन इसके पहले मैं स्टेप 1 में आऊं दोस्तों, एज ऑलवेज आई लव टू अनाउंस द नेम ऑफ माय फ्रेंड्स हु ज्वाइन मी टुडे हियर, सो दैट विल बी रियली रियली ऑसम टू टेक दोज नेम। सो लेट मी टेक दोज नेम्स। सो निर्मल सिद्धू साहब, थैंक यू वेरी मच। अल्फांसो कंत्रा, माय फ्रेंड ऑल द वे फ्रॉम मॉन्ट्रियल, थैंक यू। आई मीन ऑटावा, थैंक यू वेरी मच। Sarah Parvej, thank you very much. And Jitu Singh Bhai, thank you very much. Wallawan Viviad, thank you very much. Our Pankaj Kumar Tripathi ji, thanks a lot. Binay Manke ji, thank you very much. Atish Mishra ji, very, very regular listener, thank you very much. Ali Izadi, thanks a lot. Bhavesh Kothari sahab, thank you very much. And Malik Nathani ji, thanks a lot. Leonard Lobo, my dear friend, thank you very much for joining. And Ishak Mirza, thanks a lot. Asif Sahzad sahab, thank you very much. Baljeet Dhaliwal ji, thank you very much. And Sonia Semi, thank you very much again joining for today. And Ranga Rao Kondapalli, thank you very much. And Prabhu Mishra ji, thank you a lot.
Dr. Migrati ji, thank you very much. Binayak Patel ji, thank you very much. And Tom Sullivan, thank you very much. This is a Hinglish program, Hindi and English mix. क्योंकि ये हमारी हिंदुस्तान की मातृभाषा है और उससे मैं बहुत प्यार करता हूँ और रहने वाला भी मैं वहाँ से हूँ जहाँ पे कि एक हिंदी का गढ़ माना जाता है वो जो रायबरेली इलाहाबाद प्रतापगढ़ और फैजाबाद बाराबंकी कानपुर उन्नाव और वो जो एरिया है बेसिकली अवध एरिया मानी गई है और वो ज़्यादातर इंग्लिश आई मीन हिंदी जो बुक वाली है वो थोड़ा सा तो ट्विस्ट हर जगह होता है लेकिन वो बोली जाती है तो इसलिए मैं हिंदी में मिलने में बहुत मज़ा आता है ठीक है तो चलिए अभी हम आते हैं कि वो पांच तरीके कौन से हैं कि फाइव तो सॉरी फॉर माई इंग्लिश स्पीकिंग इफ़ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड हिंदी बट थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग एंड आई विल ट्राई टू काइंड ऑफ यू नो मिक्स लिटिल मोर इंग्लिश देन हिंदी But that's how this program is. So five ways you can use your stories to remove your worries and negativity and become happy and rich. So number one, ladies and gentlemen, very simple step. Write down your stories. What will happen? What does it mean? दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है अगर नहीं मालूम है तो मैं तो बता दूं कि ऑन एन एवरेज 24 घंटे में आपके दिमाग में आपके अंदर 60,000 थॉट्स आते हैं और चले जाते हैं लेकिन कभी अगर आप इन थॉट्स पे आप फोकस करें दोस्तों तो उसमें क्या होता है कि 70-80% समटाइम 90% सेम थॉट्स आपके अंदर आते हैं डेली तो मैं क्या कहना चाहूंगा व्हेन आई सेड कि राइट डाउन योर स्टोरीज बेसिकली थॉट्स क्या हैं दोज आर द स्टोरीज या दोज आर द मिनिएचर स्टोरीज यू टेल योरसेल्फ वो नेगेटिव भी हो सकती हैं पॉजिटिव भी हो सकती हैं तो क्या करें दोस्तों कि एक महीने का आप चैलेंज ले लें अगर एक महीने बहुत ज़्यादा लगता है तो एक हफ्ते का चैलेंज ले लें और आप क्या करें कि हर दिन एक पेपर या पैड कार में रखें ऑफिस में रखें घर में रखें या जो भी तरीका सेलफोन में आप ऑडियो में रिकॉर्ड करें जो भी आपके अंदर जो रिकरिंग थॉट्स आ रहे हैं उनको आप लिखते जाएं एक हफ्ते में आप थॉट्स लिखें ठीक है तो अब जैसे मैंने बताया कि बहुत मुश्किल नहीं होगी आपको क्योंकि 70-80% आपके थॉट्स सेम आते हैं डेली तो आप क्या करें देखें कि वो जो रियली इंपैक्टफुल थॉट्स हैं जो आपको दुखी कर देते हैं डिप्रेस कर देते हैं बिल्कुल डाउन कर देते हैं या वो थॉट जो बिल्कुल आप पम्प्ड अप हो जाते हो बिल्कुल खुश हो जाते हो एकदम दिल करता है कि डांस करूं दिल करता है कि दोस्तों से मिलूं दिल करता है फोन करूं किसी से बात करूं सो वो पॉजिटिव थॉट्स होते हैं फुल ऑफ पॉजिटिव एनर्जी वाले थॉट्स होते हैं दोस्तों क्या करें कि एक हफ्ते का चैलेंज ले लें और सारे थॉट्स ऑफ जो डिस्टिंक्ट जो डिफरेंट अलग अलग किस्म के थॉट्स हैं उनको आप अपने पैड में कहीं पर भी आप उनको रिकॉर्ड करें तो ये तो हो गया स्टेप वन बेसिकली एज आई सेड ये आपकी जो थॉट्स हैं बेसिकली आपकी स्टोरीज हैं तो उनको आप एक जगह कहीं पर रिकॉर्ड करें एक हफ्ते के लिए ठीक है तो चलिए दोस्तों होपफुली आप इनको रिकॉर्ड करेंगे लाइफ चेंजिंग एक्सरसाइज है दोस्तों अगर आप कर सकें तो अब चलिए अब दूसरे पे आते हैं तो आपने क्या किया कि पहले हफ्ते आपने सारे थॉट्स को रिकॉर्ड किया और अभी क्या करें कि स्टेप नंबर टू कि आप क्या करें उन सारे थॉट्स पे नेगेटिव और पॉजिटिव थॉट्स को अलग करें अब उनसे निकाल के नेगेटिव को एक जगह रखें एक कॉलम में या एक पेज में और पॉजिटिव को दूसरी जगह रखें ठीक है ये हो गया बहुत सिंपल स्टेप है नेगेटिव और पॉजिटिव वो थॉट्स जो आपको खुशियाँ देते हैं आपको पॉजिटिव एनर्जी देते हैं आपको हैप्पी फीलिंग कराते हैं वो आपके पॉजिटिव थॉट्स हैं लेकिन जो नेगेटिव थॉट्स हैं आपको डाउन करते हैं आपको डिप्रेस करते हैं आपको डिमोटिवेट करते हैं तो वो आपके नेगेटिव थॉट्स को उधर रख दिया तो दोस्तों ये हो गया दूसरा स्टेप तीसरा स्टेप आप क्या करें कि तीसरा स्टेप क्या करें कि आप जो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों थॉट्स हैं बहुत सारे थॉट्स होंगे भाई 60,000 थॉट्स होंगे तो कम से कम आपने 50-50 या 100 कम से कम 100-100 थॉट्स तो आ ही गए होंगे आपके दोनों एरिया में तो आप क्या करें दोस्तों थर्ड स्टेप में कि इनमें जो टॉप सबसे इंपैक्टफुल पॉजिटिव थॉट्स हैं उनको अंडरलाइन करें या अलग से लिख लें और टॉप 10 नेगेटिव थॉट जो हैं जो सबसे डिस्ट्रक्टिव थॉट्स हैं कि आपके दिमाग को बिल्कुल आपको डिमोटिवेट कर देते हैं उन 10 थॉट्स को आप रख लें 10 पॉजिटिव और 10 नेगेटिव ये हो गया स्टेप नंबर 3 अब दोस्तों आते हैं चौथे स्टेप में चौथे स्टेप में क्या करें कि अभी पॉजिटिव थॉट्स को रहने दें उनको रीड करके खुशियां लें अच्छी बात है लेकिन जो नेगेटिव थॉट्स हैं टॉप 10 उनमें एक थॉट को एट ए टाइम लें और उसको एनालाइज करें चांसेस आर देयर दोस्तों कि उस जो थॉट आपका नेगेटिव आ रहा है बहुत लोग थॉट्स आ सकते हैं अरे मेरे को हमेशा ये थॉट आता है कि आई मे बी ड्राइविंग कार एंड आई विल मेक एन एक्सीडेंट आई विल मे डाई और
some of your friend got some kind of the, you know, critical sickness, and it happens that you are also falling into the same age group, and you think, oh, my friend got something, some disease, now I will also get it. You know, people get, you know, kind of relate karne lagte hain. To these type of thoughts hain, to dosto unko likh rahe hain. To abhi haan, to ek ek thoughts ko jo 10 negative thoughts hain, unko aap analyze kar rahe hain sister 4 pe, aur har thought ko dekhein ki iske baare mein kuch kar sakta hoon kya. अगर उसके बारे में कुछ भी आप नहीं कर सकते हैं तो उसको क्या करें कि आप उसको भूल जाने की कोशिश करें. दोस्तों कैसे भूल सकते हैं इसका भी एक तरीका है, हो सकता है कभी टाइम मिलेगा. अदरवाइज यू कैन रीच आउट टू मी, मैं डिस्कस कर सकता हूं जितना भी टाइम मेरे पास होगा. यू कैन रीच आउट टू मी माई ई मेल एड्रेस youreachrakesh@gmail.com youreachrakesh@gmail.com या rakeshonfire.com पे जाएं, वहां पे हमसे कनेक्ट हो जाएंगे, या फेसबुक के मैसेंजर में डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, जैसे भी रीच करना चाहें. और तरीके भी हैं कि जो भी आपका नेगेटिव थॉट्स आए, अब उसको आपको लगता है कि इसको मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं, तो उसको भूल जाएं. और कैसे भूल जाएं, अगर इसके आप सर्च डालें तो बहुत सारे सर्विस मिलेंगे, लेकिन या आई कैन हेल्प यू. बट एनीवे लेट्स फर्स्ट गो. सो वन बाय वन जितने भी 10 नेगेटिव थॉट्स हैं उसमें क्या करें कि हर एक को एनालाइज करें. कैन यू डू समथिंग अबाउट इट और यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट. सो इफ यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट, जस्ट फॉरगेट इट. टेल योर माइंड कि ये थॉट आएगा, हे वेलकम, बाय बाय. दोस्तों ये मेंटल एक्सरसाइज एक मेडिटेशन की तरह होती है, एक मेडिटेशन का भी तरीका. जो नेगेटिव थॉट्स आते हैं, स्टार्ट डूइंग मेडिटेशन, एंड ड्यूरिंग द मेडिटेशन व्हेन द थॉट कम्स, वेलकम इट, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग, बाय बाय. या मुश्किल होगा शुरू में दोस्तों, मेरे भी कोई, मैं इंसान हूँ, मेरे भी बहुत अभी भी आते हैं, लेकिन धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस पड़ जाएगी नेगेटिव थॉट्स को वेलकम करके उनको बाय बाय करने की. या तो इस तरीके से 10 थॉट्स में, हाँ उन कुछ थॉट्स के बारे में हो सकता है कि आप कुछ कर सकते हो. अब जैसे आपकी टेंशन हो सकती है, वरी, अरे हमारे बच्चों को, बच्चे हमारे पता लगा पढ़ने लिखने में अच्छे निकले कि नहीं निकले, हमारे बच्चों को वहाँ एडमिशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा. भाई जहाँ पे आपको एडमिशन बच्चे को देना, आप क्या कर सकते हैं, बच्चा अप्लाई कर सकता है, या कोई जानने वाले आपके हैं, या कोई हेल्प कर सकते हैं, तो जितने भी आप रिसोर्सेज उनको यूज कर सकते हैं. तो एनी नेगेटिव थॉट, देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, यू कैन डू समथिंग अबाउट इट एंड यू कैनॉट डू एनीथिंग अबाउट दैट. सो इफ यू कैनॉट डू एनीथिंग अबाउट दैट, अब लोग बोलते थे कि 2012 में पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी, अब कुछ लोग उसको हर दिया हमारी दुनिया खत्म हो जाएगी, इतना पैसा कमाया, इतना घर बनाया, इतना क्या होगा. अरे यार जब दुनिया ही खत्म हो जाएगी तो उसको टेंशन करना कि आप उसमें कोई तुम्हारा कंट्रोल है, नहीं है. अरे यार मैं तो 100 साल में मर के चला जाऊंगा, मैं 200 साल का जीना चाहता हूं. 200 साल आप नहीं जी सकते, कोई नहीं जिया है. तो इस, लेकिन कभी कभी दोस्तों आप देखें कि ज्यादातर जो हमारे क्रिपलिंग थॉट्स होते हैं, डिस्करेजिंग थॉट्स होते हैं, डीमोटिवेटिंग थॉट्स होते हैं दोस्तों, ज्यादातर वो ऐसे होते हैं, बिल्कुल बेसलेस होते हैं, लेकिन फिर भी तो उनको आप एक तरीके से दोस्तों की तरह वेलकम करें. जैसे नेगेटिव दोस्त होते हैं, नेगेटिव लोग होते हैं, इसी तरीके से नेगेटिव थॉट्स होते हैं. तो हम, जैसे मैंने बताया कि थॉट्स आर स्टोरीज, थॉट्स आर थिंग, तो थॉट्स आर स्टोरी. क्या करते हैं कि आप उस थॉट को, एक स्टोरी आप बताते हो, अरे राकेश तुम ये होगा, मार्केट खराब हो जाएगी, घर बिक जाएगा. अब क्या करते हो आप, वो स्टोरीज आप अपने आप को बता रहे होते हो और अपना दिमाग आप बिल्कुल खराब कर लेते हो. तो दोस्तों ये रहा कि जो नेगेटिव थॉट्स हैं चौथे हिस्से में, उनको सबको एनालाइज करना है. तो जिसके बारे में मैं कुछ कर सकती हूँ उनको करना शुरू कर दो. उसमें इतना बिजी हो जाओगे, फिर दूसरे थॉट्स जो हैं, जो उनको बेसिकली जिनके बारे में आप कुछ भी नहीं कर सकते, उनके बारे में आप सोचोगे भी नहीं. अगर सोचोगे तो धीरे धीरे, चाहे वो मेडिटेशन हो, कोई दूसरा तरीका हो, खुशी खुशी उनको वेलकम करो और खुशी खुशी उनको बाय करो. तो दोस्तों ये हो गया नंबर 4. और उसके बाद जो जो पाँचवा है, पाँचवा क्या करो दोस्तों, कि ये जो थॉट्स हैं वो जो ज्यादातर थॉट्स जो ऑटोमेटिक आते रहते हैं, हम उन पर कोई कंट्रोल ही नहीं करते. तो अभी आप क्या कर सकते हो दोस्तों, कि जो आपका जो पांचवा स्टेप है, तो पांचवें स्टेप में आप क्या करो दोस्तों, कि बड़े बड़े पॉजिटिव पॉजिटिव थॉट्स बेसिकली ढूंढ ढूंढ के लाओ. कि आपकी जिंदगी में वो जो पॉजिटिव चीजें हुई, जब आपका बेटा आपकी गोद में पहली बार आपकी वाइफ ने दिया था, जब पैदा हुआ था, ये बेटी आपकी गोद में दिया था वाइफ ने जब पैदा हुआ था, या आपकी बेटी ने जब पहली बार पापा बोला था, या आपका बेटा या बेटी जो भी क्रॉल करना सीखा था, या आपको पहले जॉब मिली थी, या आपकी जब वाइफ कभी गर्लफ्रेंड रहा करती थी, या यू नो वो जो, मतलब कैन अंडरस्टैंड, वो जो खुशी वाले पल हैं,
केवल उनकी लिस्ट बनाओ, और जो सबसे टॉप खुशी वाले पल हैं उनकी वही एक लिस्ट बनाओ और उनको क्रिएट कर सकते हो। कुछ तो ऐसे हैं जो ऑलरेडी इवेंट्स हो चुकी हैं, लेकिन दोस्तों कुछ अभी इवेंट्स ऐसी हैं जिनको आप थॉट क्रिएट कर सकते हो, पॉजिटिव थॉट। वो ये, अरे मैं मेहनत कर रहा हूँ, अभी मेरा जॉब में प्रमोशन हो जाएगा, मैं ये हो जाऊँगा, या मैं एक साइड में बिजनेस कर रहा हूँ, कल इतना बिजनेस हो जाएगा मैं करोड़ों में कमाऊंगा, या अभी हम फैमिली के साथ स्विट्जरलैंड घूमने जा रहे हैं, या ऊटी घूमने जा रहे हैं, या टोरंटो या नियाग्रा फॉल्स घूमने जा रहे हैं, या यू नो मनाली घूमने जा रहे, कहीं पे भी आज हमारी शादी, अरे कल हमारा बेटा होगा बेटी होगी, या आज हमारी वाइफ है वो मेडिसिन कर रही कल उसकी जॉब होगी, या आज हमारी वाइफ हाउस वाइफ है कल बच्चे बड़े हो जाएंगे तो मेरी वाइफ भी जॉब करेगी वो भी हाथ बटाएगी। मतलब ये चीजें ऐसी अभी जो दोस्तों हुई नहीं आपकी लाइफ में, लेकिन उनके बारे में सोच करके आप अपना एक खाली वो फ्यूचर अच्छी चीज देख करके वो भी थॉट ला सकते हो। तो कभी कभी क्या करो, अपने आप को उन्हीं थॉट से फिल कर दो जो अभी हुए ही नहीं है, एक तरीके से विजुलाइज करो उनको, इमेजिन करो। दोस्तों ये बहुत बड़ी मेरी स्ट्रेंथ रही है कि मैं विजुलाइजेशन की जो चाहता हूँ उसके बारे में सोचता हूँ सोचता हूँ सोचता हूँ। आप यकीन नहीं करोगे कि कभी कभी जब देखता था ये अपना हिंदी गिल्ड जो राइटर्स हैं यहाँ पे, ये लोग जो एक्टर्स हैं और बड़े बड़े जो परफॉर्मेंस हैं प्ले हैं, मैं सोचता था एक दिन मैं भी करूँगा, लोग सुनेंगे। ओ हो गया, जस्ट लास्ट वीक इट हैपेंस कि लोग सुन रहे, तो मैं अपनी स्टोरी शेयर कर रहा था हिंदी में, मैं अपनी स्पीच वो स्टोरी शेयर किया हूँ इंग्लिश में, लेकिन हिंदी में पहली बार किया और आई थिंक दैट इज अ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन आई गॉट। मैं रोने लगा आखिर में, क्योंकि मेरी माँ दुनिया में रही नहीं और मेरी वो माँ उस मेरी स्टोरी का पार्ट थी, तो मैं भावुक हो गया। आई विल शेयर दैट यू नो प्ले विद यू दोस्तों वीडियो में, इसी पोस्ट में। तो दोस्तों समझ में आया, तो ये पाँचवा स्टेप है और दैट्स इट। तो उसके बाद एक जल्दी से फिर एक रैप अप करूँगा। तो यही है दोस्तों कि आप क्या करें कि जो अपनी स्टोरीज हैं वो क्या करें कि सबसे पहले सारे वो स्टोरीज बेसिकली जो थॉट्स हैं और स्टोरी हैं सेम थिंग, सो वो जो अपने थॉट्स हैं सबको लिखें, दूसरे स्टेप में पॉजिटिव और नेगेटिव में उनको डिस्ट्रीब्यूट करें, फिर उसमें से टॉप 10 पॉजिटिव रखें, टॉप 10 नेगेटिव रखें, और उसके बाद क्या करें कि नंबर स्टेप 4 में उन थॉट्स को आप एनालाइज करें कि उनके बारे में जो नेगेटिव हैं कि उसके बारे में क्या कर सकते हैं, और अगर कुछ नहीं कर सकते हैं तो उनको भूल जाएं, और भूलने के बहुत सारे तरीके हैं वो आप पता कर सकते हैं या मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं। और लास्ट में नंबर 5 क्या है कि आप जो पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट भी कर सकते हैं, और वो कैसे क्रिएट कर सकते हैं कि जा करके आप उन फ्यूचर में उन चीज़ों को विजुलाइज कर सकते हैं और उससे आपकी खुशी होगी। या और जो एक बोनस मैं यहाँ पे देना चाहूँगा, एक थॉट बोनस का वो ये देना चाहूँगा कि आप अपनी स्टोरीज को शेयर करें लोगों से, या स्पेशली जो नेगेटिव थॉट्स हैं उनको शेयर करें अपने फ्रेंड से, अपने दोस्तों से, अपनी फैमिली से, एक्सपर्ट से, और कि मेरी ऐसी सी है क्या कोई हेल्प मिल सकती है। और कभी कभी केवल दोस्तों के साथ वो थॉट्स, वो स्टोरीज जो नेगेटिव है जो आपको डिप्रेस कर रही है, डिमोटिवेट कर रही हैं, वो भी अपनी स्टोरी शेयर करते हैं फिर तुमसे, फिर लगता है कि अरे तुम्हारा तो प्रॉब्लम ये दुख भी नहीं था, दूसरों का तुमसे ही बड़ा, तो उससे बहुत ज़्यादा आपको मोटिवेशन मिलता है। और यही नहीं दोस्तों, कि जैसे मैंने बताया कि आप रिच बन सकते हो, यस आपने जो अपनी लाइफ में चाहे वो करियर में हो चाहे बिजनेस में हो, जैसे भी आपने उसको अचीव किया है, उसको औरों के साथ शेयर करना शुरू कर दें। जब औरों के साथ शेयर करेंगे तो लोग बोलेंगे अरे आप इसमें एक्सपर्ट हैं, और आपकी ये स्टोरी आपने यहाँ से यहाँ पहुँचे और ऐसे से पहुँचे, तो जब आपको बताएंगे तो लोग आपसे हेल्प के लिए आएंगे, एंड स्लोली स्लोली यू विल बिकम बेसिकली अ गो टू पर्सन। जब आप गो टू पर्सन हो जाएंगे, आप यू कैन बिकम अ मेंटर, यू कैन बिकम अ कोच, यू कैन बिकम यू नो बेसिकली यू कैन राइट अ बुक ऑन दैट, यू कैन क्रिएट अ कोर्स ऑन दैट, यू कैन टीच देम, यू कैन हैव वर्कशॉप, और यू कैन डेवलप अ वेरी डिफरेंट कैरियर दैट कैन गो यू पोस्ट रिटायरमेंट। सो दैट इज अ बोनस आइटम। सो दोस्तों ये रहा आज का टॉपिक, और ये रहे इसके कुछ सोल्यूशन, और दैट्स फॉर टुडे। और चलिए, जैसे कि मेरी हमेशा आदत है कि मैं हर बार आप लोगों से एक बार फिर से मैं नाम लेना चाहूँगा जिन लोगों ने मुझे ज्वाइन किया है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर टाइम ऑन दिस मंडे मॉर्निंग इंडियन टाइम, एंड ऑफ कोर्स इफ यू आर इन नॉर्थ अमेरिका दैट इज द संडे इवनिंग। सो निर्मल सिद्धू, अल्फांसो कौद्रा, शरा परवेज, शरा एंड जीतू सिंह, एंड वालावन वीवी एड्स, एंड पंकज कुमार त्रिपाठी, विनय मानके, सतीश मिश्रा, अली इजादी, भावेश कछारी, मलिक नथानी, लेनर्ड लबो, इशाक्ष मिर्जा,
Asif Shahzad, Baljeet Dhaliwal, Sonia Sami, Ranga Rao Kondapalli, Prabhu Mishra, Dante McGrady, and Vinayak Patel, Tom Sylvan, Garment Not, Imam Jalili, Alpa Shah, Kamal Anwar, Ayesh Valani, Gaurav Shandy, Shashi Sharma, Arun Cheb Chippa, Tejas Patel, Marcy Mev, Sanjeevan Thangaraj, K. Mohta Marikali Sahab, Surjit Dhillon, Sunny Mishra, Sainda Solomon, Tapan Kumar, Vinod Kumar Gaur, Martin Lopez, and Gerard Ruska. So I see many of my friends who are English speaking who cannot understand Hindi. So I'm really sorry for the inconvenience, but that this program is in Hinglish, Hindi and English mix. Hindi being national language of India, and there are a lot of people who listen to me, and I come from that Hindi speaking belt, and I really feel proud and excited when I share in Hindi. Jab main isko Hindi mein share karta hoon, aur acha lagta hai. Kuch aise bhav hain, kuch aise emotions hain, kuch, you know, stories hain which I can, you know, present in better way, and that's what give satisfaction also. English from Canada side, Hindi from India side. So dosho, so my dear friends, thank you very much. I think list is growing now, so slowly I think I have to stop calling the name and rather utilize that time to give some more nuggets and value to the program. So my dear, one of my first mentor, Dave Lafome, who taught me basically acting a lesson that how you present yourself from the stage. So Dave Lafome, if you see here, he was my one of the coach in the very beginning, couple of years back. So thank you very much, Dave, being part of my life. So with that, my dear friends, thank you very much for joining everybody, and see you next Sunday night for our North American crowd and Indian crowd. See you Monday morning next week. Once again, thank you very much. And here is an invisible salute from your friend Rakesh Mishra, all the way from Toronto, Canada. Once again, thanks for joining, and see you next week. Aur is vaade ke saath, is promise ke saath, phir se koi acha sa topic hum layenge, aur agle Monday ko phir aapse mukhatib hote hain. Doston, aapka dost aur host Rakesh Mishra ab aapse vida chahta hai, is vaade ke saath ki agle somwar ko phir se mulaqat hogi. Thank you very much. Good night, good morning, good day, and good time wherever you are. Salute to you all. Bye-bye.